एप्पल के नए आईफोन चंद माह बाद मुतारिफ करवाए जाएंगे, मगर आईफोन 16 सीरीज के बारे में मुसलसल लीक सामने आ रही हैं, जिनसे काफी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल के आईफोन कैसे होंगे। लेकिन लीक्स पर मबनी तफसीलात को मुसद्दका तो नहीं कहा जा सकता, मगर हर साल इस तरह की रिपोर्ट अमूमन दुरुस्त साबित हुई है। लीक्स के मुताबिक एप्पल की जानिब से आईफोन 16 मॉडल्स के लिए नई स्क्रीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे किनारों की पट्टी या बेंजेस को कम रखने में मदद मिलेगी। एप्पल की जानिब से अमूमन प्रो मॉडल्स के डिस्प्ले को अपग्रेड किया जाता है और फिर सस्ते मॉडल्स पर काम किया जाता है। प्रो मॉडल्स की स्क्रीन पहले से ज्यादा बड़ी होगी। 2020 से आईफोन प्रो मॉडल्स की स्क्रीन साइज में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। आईफोन 12 प्रो मैक्स में 6.1 इंच जबकि 12 प्रो मैक्स में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया था, मगर आईफोन 16 प्रो मॉडल्स में इस हवाले से तब्दीली लाई जा रही है। लीक्स के मुताबिक आईफोन 16 प्रो का डिस्प्ले 6.3 इंच जबकि 16 प्रो मैक्स का डिस्प्ले 6.9 इंच का होगा। इसके मुकाबले में आईफोन 16 और 16 प्लस का डिस्प्ले साइज गुज़श्ता साल के मॉडल्स जितना ही होगा। आईफोन 16 में 6.1 इंच जबकि 16 प्लस में 6.7 इंच का डिस्प्ले मौजूद होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी को मुतादित कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन्स का हिस्सा बनाया है और एप्पल की जानिब से भी ऐसा किया जा रहा है। मुख्तलिफ लीक्स के नए iOS 18 को आईफोन्स की तारीख की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर अपडेट करार दिया गया है। iOS 18 में जनरेटिव AI फीचर्स सार्फीन को दस्तियाब होंगे, जिनसे मैसेजेस ऐप और डिजिटल असिस्टेंट को बेहतर बनाया जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस मकसद के लिए एप्पल की जानिब से OpenAI से वायदा किया जा रहा है, ताकि ChatGPT पर मबनी AI फीचर्स को आईफोन 16 सीरीज का हिस्सा बनाया जा सके। मार्च में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि आईफोन 16 सीरीज में एक नए एक्शन बटन का इजाफा किया जाएगा, जबकि आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स दोनों में 5x टेलीफोटो लेंसेज का इजाफा किया जाने का इम्कान है। एक लीक के मुताबिक इस साल चारों आईफोन मॉडल्स में नई A19 चिप मौजूद होगी। अलबत्ता प्रो मॉडल्स में A18 बायोनिक प्रो जबकि दीगर मॉडल्स में A18 चिप इस्तेमाल की जाएगी। एप्पल की जानिब से अमूमन हर साल सितंबर में एक इवेंट के दौरान नए आईफोन मॉडल्स मुतारिफ करवाए जाते हैं। ऐसा ही इस साल भी किए जाने का इम्कान है और सितंबर में ही नए आईफोन्स मुतारिफ कराए जा सकते हैं।